उस वक्त शोभिता धुलीपाला के ससुराल वाले भी हैरान रह गए जब शोभिता ने शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में एक ऐसी डिश बना डाली जिसे चखने के बाद वहां मौजूद हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। शोभिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी आगे कुछ ऐसा देखने को मिला जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शोभिता धुलीपाला और नागा चैतन्य की शादी हो चुकी है जिसके बाद शोभिता ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश की रस्में भी पूरी कर ली हैं। शोभिता के ससुर नागार्जुन ने अपनी नई बहू शोभिता और बेटी नागा चैतन्य को कुलदेवी मंदिर में ले जाकर उनके अच्छे जीवन के लिए पूजा भी करवा दी है, जिसके बाद शोभिता धुलीपाला अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म निभाते नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने स्वादिष्ट खीर बनाई है। पहली रसोई के साथ साथ उन्होंने घर में पूजा भी रखी है जिसकी कुछ झलकियां आपको वीडियो में दिख रही हैं। आपको नई बहू शोभिता का ये अंदाज कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा।